पार्था। मैं सुधीर। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? तीनों बच्चे घर बार के हो गए हैं मंगला बहन, पर क्या बताऊं, मेरे लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है, ना तो मेरे पति के पास और ना बच्चों के पास। जब भी कोई बात करने लगती हो ना, तो कहते हैं सिर मत खाओ। ये शंकर भगवान का प्रसाद है। पंडित जी, ये मेरा खास दोस्त है आकाश और ये इनकी पत्नी पूनम जी। बहुत सुंदर जोड़ी है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। आपके भैया भाभी? यही है, बुलाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए अकेले में मिलना है। वो क्या है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने जब आपकी फोटो देखी थी, आप मुझे तभी पसंद आ गई थी। लेकिन मैं बस दो मिनट के लिए आपसे मिलकर ये जानना चाहता था कि आपको भी मैं पसंद हूँ या नहीं। वैसे फोटो में आप जैसी लगती हैं, रियल लाइफ में उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जानकी बहन, एक काम करते हैं, किसी दिन आपको फुर्सत हो ना, तो चाय पीने के बहाने घर आ जाइए, हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, ठीक हाँ। है, अब मैं दर्शन के लिए निकलती हूँ। हाँ हाँ मंगला बहन, जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी चाय पीने। लेकिन लेकिन मंगला बहन, एक बात बताना तो भूल ही गई। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है सर। थाने में चलकर तेरी खातिरदारी होगी ना, तो तुझे सब सही समझ में आ जाएगा, समझा? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे मिलना है उससे। चल प्लीज सर। और भाई ये रोड़ा थोड़ा बचा के रख, थाने में काम आएगा, चल चल। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि मुझे दिखावा बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे लगता है कि हम जो है जैसे हैं, बस हमारा दिल साफ होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता था कि एक बार आप मुझसे मिलकर मुझे इतना बता दे कि मैं आपको कैसा लगा। देखिए, मुझे लड़कियों से बात करना आता नहीं, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पूनम जी, अब तक प्रार्थना और सुधीर जी ने काफी बातें कर ली होंगी। अब तक तो माँ जी भी सुधीर जी से मिल चुकी होंगी। हे भगवान, मुझे तो जल्दी घर जाना था। अरे तुमसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं लगा। ये तो आज जल्दी आने वाले हैं। चलो बहन, चलो मिलते हैं। हाँ।
आप तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बहुत बोलते हैं हम। जी मुझे अभी निकलना होगा, मेरा एक दोस्त जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी। देख के नहीं चल सकते, दिमाग खराब है क्या भाई साहब आपका? आकाश मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुधीर आया? लेकिन उनके ऑफिस में किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हें जाना पड़ा। पर ऐसे अचानक? खैर सुधीर जी कैसे लगे तुम्हें? इसका मतलब है आकाश, प्रार्थना को लड़का पसंद आया। बोला ना चूचा नहीं, तीन तीन लड़कियों ने शिकायत की है तेरी, आज थाने में मनेगा तेरा हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे मेरी गलती क्या है? गलती? अबे तेरी गलती तो हम सुधारेंगे। लिसन, हेलो, हाय, लव यू, सॉरी, थैंक यू, मिस यू। चार अक्षर अंग्रेजी क्या पढ़ लिया कि सच धज करके इतर सीतर मार के चला आता है लड़कियों को परेशान करने। गाड़ी रोको, मैंने कहा ना गाड़ी रोको। जो मैं तब से नहीं करना चाह रहा था ना, अब वो मुझे करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, अभी एसीपी से बात करते हैं। एसीपी? तुम जानते हो उनको? पहले बात कर लो, उसके बाद आप दोनों को खुद पता चल जाएगा। अरे इतनी सी बात के लिए एसीपी साहब को फोन करने की क्या जरूरत है? चलो जाओ, छोड़ा तुम्हें, जाओ चलो। अरे चलिए सर। हाँ सुधीर जी। आकाश जी आप लोग निकल गए क्या? हाँ बस गाड़ी में बैठने जा रहे। सॉरी वो मैं मिल नहीं पाया एक्चुअली। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप प्रार्थना से तो मिल लिए ना, तो सुधीर जी आपने क्या सोचा फिर? मेरी तरफ से हाँ है। धन्यवाद सुधीर जी। जी अम्मा क्या हुआ? सुधीर जी ने हाँ कर दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छा हो गया। जय भोलेनाथ।
बटेर लग गया और जाल बिछाया है इस पूनम ने, तो इसके गुणगान और भी बढ़ जाएंगे। आओ प्रार्थना, आओ आकाश, बैठो बेटा। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे शामियाने में एक बार फिर से शहनाई गूंजेगी, क्योंकि सुधीर को हमारी बेटी पसंद आ गई है और हमारी लाड़ो को सुधीर पसंद आ गया है। रानी तुम रहने दो, मैं सबके लिए चाय बना रख दो। क्या कर दिया बेटी तुमने, कितनी बार कहा है तुमसे कि दूध वाली चीज में खट्टा चम्मच नहीं डालते, अपशगुन होता है। सॉरी अम्मा। अब देखो मेरी चाय खराब हो गई ना, तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी होकर? नींबू पानी और चाय के साथ तुम दो चम्मच नहीं ला सकती थी? सारे पिक मैडम जी। जाओ मेरे लिए दूसरी चाय ले आओ, लो और दूसरा चम्मच भी लाना। माँ जी, प्रार्थना के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि हमें ये खुशखबरी बाबूजी और इनके भैया को बता देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक उन लोगों को ना बताया हो तो। ये खबर सुनकर उनके चेहरे पर जो खुशी के भाव आएंगे ना बहू, वो फोन पर नहीं दिखाई देंगे। उतावली मत हो, उन्हें घर आने दो, ये खुशखबरी मैं खुद उन्हें सुनाऊं। अच्छा अम्मा, सुधीर जी जैसा अच्छा और नेक लड़का ढूंढने का और हम सबको पसंद आया, उसका सारा श्रेय पूनम जी को जाता है। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। पूनम ने इस घर में रहने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा किया है। चूरू का गुलाम। माँ जी, वैसे देखा जाए तो सबका श्रेय कन्नु भाभी को जाता है, क्योंकि अगर भाभी आकाश के सामने मनीष की हरकत वाली बात नहीं करती तो आकाश साधना के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढता ही नहीं। थैंक यू भाभी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूनम जी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। देखा माँ जी, ये सब आपकी इसी इटावा वाली बहू की वजह से हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा पूनम, सिक्के का दूसरा पहलू होता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे लड़ने गए चौबे जी और जीत गए दुबे जी। बच्चों, कैसा है सब कुछ? माजी ठीक है ना? मुझे जरा माजी से बात करवा दो मेरी। माजी को जरा वो खुशखबरी देनी है। हाँ, जरा देना तो। देख रहे हैं, वो पूनम खुद समझा चुकी है आपको कि हम कन्नू इस घर में क्या मायने रखते हैं। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ हम हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? आखिर क्यों? गलती हो गई। अरे
फासले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब से ध्यान रखूंगी कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। इस बार माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए। क्यों हो गई गलती? वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको, या ये सब कुछ आप हमें परेशान करने के लिए कर रही हैं? हमें जवाब चाहिए इस बात का। वो मैडम जी, वो मैडम जी, वो एक बात याद रखिएगा, पूनम हमेशा के लिए इस घर की बहू बन जाने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस घर की बहू हम हैं, और हम पूनम के इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमने कसम खाई है कि हर हाल में उस पूनम को इस घर के बाहर का रास्ता दिखा कर रहेंगे, और वो भी 6 महीना पूरा होने से बहुत पहले। समझ गई ना आप? बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई, समझ गई। और हाँ, गलती करके माफी मांगना नहीं, गलती सुधारना भी सीखिए। सीखूंगी, सीखूंगी। माथे में आंख नहीं, और नाम है नैन कुमारी। जो पाठ पढ़ाया है उसे याद रखिएगा, वरना ये मेरा भ्रम था, ये सच में कोई था? प्रार्थना, अगर आपको कुछ भी कहना है, जिस तरह से सुधीर जी के साथ आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ रही है, या सुधीर जी उनसे मिलकर आपको कुछ लगा हो और आप अपनी माँ से नहीं कह पा रही हैं, तो आप हमें बता सकती हैं। हम और आपके भैया मिलकर सारी बातों की पूरी जानकारी निकाल लेंगे। हाँ, एक बात तो है पूनम, जो मैंने अब तक किसी से नहीं कही, लेकिन फिलहाल आपसे कर सकती हूँ। हाँ प्रार्थना, कहिए ना। वो सुधीर जी से मिलकर अच्छा लगा, और उनकी सिंपलिसिटी, उनकी बातें। थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि हम दोनों की ये पहली मुलाकात है। अगर एक्सीडेंट वाली खबर सुनकर उन्हें जाना नहीं पड़ता तो हमारी बातें शायद और लंबी चलती। हमें बहुत खुशी है कि आप इस रिश्ते से खुश हैं। पर प्रार्थना, सुधीर जी ने उस एक्सीडेंट वाली बात हमें नहीं बताई। अरे तुम? हम अपनी बातों में, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि तुम कब आए। कोई बात? वो पूनम जी, सुधीर जी से मेरी भी बात हुई थी, उन्हें अचानक जाना पड़ा, इसीलिए वो ज्यादा देर नहीं रुक पाए। बस यही बात थी कि कुछ और कहना था? अब हाँ, वो प्रार्थना से बात करने आया था, लेकिन आपने इतने अच्छे से बात कर ली कि मेरे बात करने की जरूरत ही नहीं है। सच्ची हनुमान जी की कसम। थैंक यू भैया, आप दोनों को मेरी खुशियों की कितनी फिक्र रहती है। प्रार्थना, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तुम्हारा भाई हूं और पूनम जी तुम्हारी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।